तो ये टाइट्रेशन का भी विशेष ध्यान दीजिए। इस टाइट्रेशन में आप क्या देख रहे हैं, KMnO4 वर्सेस फेरस ऑक्सलेट टाइट्रेशन है। क्या ये टाइट्रेशन देखिए ध्यान से, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो फेरस को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। क्या आप लगता है आपको Mn की यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, बाद में कितनी चेंज होती है वो Mn+2 एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा, अभी आप देख ही रहे हैं कंटिन्यू, एन फैक्टर क्या आएगा यहां पर 5, बोलो क्लियर है। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 और न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर कितना होगा, KMnO4 आप पढ़ चुके हो, स्ट्रॉन्ग 5, फिर 5 हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस में 1 और मॉडरेट में 3, क्योंकि यहां +7 से +2 में चेंज हो रहा है, फिर +7 से +4 में चेंज होगा, फिर +7 से +6 में चेंज होगा, तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा वहां पर, किसमें, न्यूट्रल मीडियम में। फिलहाल तो अभी हमें यहां देखना है इसका एन फैक्टर क्या है, बता सकते हैं ओ भाई कितना होगा एन फैक्टर, फोर कैसे होगा, फेरस है Fe+2 किसमें जा रहा है, Fe+3 में जा रहा है, तो जब +2 +3 में जा रहा है तो एन फैक्टर कितना होगा 1। क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्या, ध्यान दे +3 है, CO2 में बनेगा, Tri-CO2 +4 में, तो एन फैक्टर कितना होगा, +2 से +3 1, +3 से +4 1 मल्टीप्लाई बाय कितने कार्बन है 2, तो एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पर 3, फिर तो यहाँ एन फैक्टर 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा। अगर ये फेरस ऑक्सलेट है तो 3, पोटेशियम ऑक्सलेट होता तो 2, क्योंकि पोटेशियम ऑक्सलेट में पोटेशियम ऑक्सीडाइज नहीं होता, सोडियम ऑक्सलेट 2, सिंपल ऑक्सैलिक एसिड होता 2, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड में क्या होता, हाइड्रोजन H+, अब H+ H+2 में थोड़ी ना चेंज हो सकता है, सिर्फ यहाँ 3 है, इसलिए ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता तो बताओ क्या होता, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 5, यहाँ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 3। बाकी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, N1V1 = N2V2, नॉर्मलिटी दी गई है तो N1V1 क्या होता है, इक्विवेलेंट, मोलरिटी M1V1 एन फैक्टर 1, जब भी मोलरिटी दिया जाए आपको एन फैक्टर लगाना है, और M2V2 NF2, क्लियर है। अब आगे M1V1 M2V2, ये तो रहा आपके पास मोल, लेकिन अगर मोल नहीं है डायरेक्ट वेट है तो वेट डिवाइडेड बाय ये तो हो गया मोल, मोल मल्टीप्लाई बाय वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, तो ये हमारे लिए बेसिक सा कंसेप्ट रहा KMnO4 टाइट्रेशन का, लिखिए इसको जल्दी से, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम पता करना है, 1 mKMnO4 टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 20 ml ऑफ दिस इन एसिडिक मीडियम, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप अच्छे से जानते हो, N1V1 = N2V2, लेकिन हर चीज मोलरिटी में दे रखी है, तो M1V1 N factor 1 = M2V2 N factor 2, बोलो क्लियर है। M1 KMnO4 के लिए कितना है 1, वॉल्यूम आपको निकालना है, एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर 5, M2 20 कहाँ है 0.1, V2 20 ml, अब ml में ले रहे हो तो यहां पर भी ml में आ जाएगा, N factor 2 कितना है आपके पास इसके लिए
थ्री हम पढ़ चुके हैं फेरस ऑक्सिलेट के लिए थ्री, तो इस हिसाब से ये कितना कर रहा, 5 और 20, तो ये हो जाएगा 1.2 ml, ये आपका आंसर है। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, लिखें इसको। देखिए हम बात कर रहे हैं एक और टाइट्रेशन जो कि इस बार MnO2 को है, ठीक है ना, पायरोलुसाइट इसका कॉमर्शियल नेम है। ऑक्सैलिक एसिड आप जानते हैं H2C2O4 डॉट ट्वाइस H2O है। केमिकल रिएक्शन आपके पास ये है MnO2 H2SO4 H2C2O4, इस जगह मैंने अनहाइड्रेटेड लिखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी ये सॉलिड स्टेट में होगा तो ये क्या होगा, हाइड्रेटेड, और एक्वस स्टेट में होगा तो ये क्या रहेगा, अनहाइड्रेटेड। इज दैट क्लियर। उसके अलावा MnSO4 आपके पास बन रहा है ट्वाइस CO2 10, तो क्या आप बता सकते हैं इसके लिए एन फैक्टर कितना है, प्लस फोर से कहाँ चेंज हो रहा है, प्लस टू में, तो एन फैक्टर कितना है, टू प्लस थ्री प्लस फोर, एन फैक्टर कितना है यहाँ पर आपको लग रहा है, प्लस थ्री से प्लस फोर वन, लेकिन यहां पर कार्बन कितने हैं, दो, ठीक है। तो ये एन फैक्टर टू है, यहां पर भी एन फैक्टर क्या है, टू है। जब दोनों जगह एन फैक्टर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्रॉस करके वन वन भी लिख सकते हैं, या तरीके से करें तो N1V1 N2V2 बराबर होंगे। अगर आपको एम दिया गया M1V1 एन फैक्टर वन M2V2 एन फैक्टर टू, ये आपके पास हो रहा है, और वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, मोल हो गया एन फैक्टर वन इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट एन फैक्टर टू, ये हमारे पास आ रहा है। इनमें से सब चीजें एक दूसरे के बराबर होगी, और आपको देखना होगा कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे फिनिश करना है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, है क्या, ये एक तरह से डबल टाइट्रेशन का एग्जाम्पल है, यानी दो बार टाइट्रेशन की गई है। किस तरह से, 2.6 ग्राम सैंपल ऑफ पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट किसे बोलते हैं, MnO2 को, वाज बॉइल्ड विद 65 ml ऑफ एन ऑक्सैलिक एसिड। एन का मतलब यहां पर 1 N दिया गया है, जब भी N है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या है, 1 ऑक्सैलिक एसिड एंड एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो ये दिया गया है। और इस तरह से बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपने जो ऑक्सैलिक एसिड है वो एक्सेस में लिया है, ज्यादा ही लिया है, ठीक है। तो बचा हुआ ऑक्सैलिक एसिड फिर हम किससे टाइट्रेट कर रहे हैं वो जानते हैं, द लिक्विड वाज देन फिल्टर एंड एसिड यू वाज द फिल्टर एंड द वॉशिंग वर मिक्स्ड एंड मेड अप टू 500 ml, 500 ml कर दिया। फिर उसके अंदर बोला गया है 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ N/10 KMnO4, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ MnO2 इन सैंपल। तो कैसे सॉल्यूशन बनेगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि डबल टाइट्रेशन है, पहले तो ये चीज समझ में आई। तो शुरुआत में कौन सी चीज ज्यादा ली गई है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड के कितने इक्विवेलेंट थे आप ही देखिए, ऑक्सैलिक एसिड के हैं आपके पास, एक तरह से रिएक्शन देखेंगे तो ये ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, इसकी टाइट्रेशन कर रहा आपने MnO2 से, फिर भी आपके पास H2C2O4 बचा हुआ है, उसकी टाइट्रेशन कर रहा आपने KMnO4 के पास साथ, और ये टाइट्रेशन आपके पास हो गई। तो मान लीजिए यहां पर, मान क्या लीजिए, आपको दिया गया है कितने ग्राम दिया है, कितने एमएल दिया है, 65 ml डिवाइडेड बाय 1000, लीटर में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 1, ये इसके इक्विवेलेंट है। MnO2 के कितने इक्विवेलेंट है देखते हैं, आपको दिया गया है 2.6 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 87 मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर कितना है, 2, ये हमेशा प्लस फोर से प्लस टू में चेंज होता है, और इसका एन फैक्टर कितना है, 2, इसका भी 2 है, लेकिन यहाँ एन फैक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मलिटी दी गई है। चलिए ठीक है, इन दोनों को माइनस करती रिमाइंडर यहाँ आपके पास आ जाएगा, आप यहाँ आ गए,
जैसे ही ये चीज इसमें से माइनस हुई तो ये रिमाइंडर यानी बचे हुए आपके पास ऑक्जेलिक एसिड आ गए। अब इसको आपने क्या किया, 500 में तो डिसॉल्व किया और 100 ml यूज कर लिया, तो क्या हो गया 100/500। ये वो है जो सेकेंड टाइट्रेशन में यूज हुए। और अब आपको KMnO4 का कितना कंज्यूम हुआ है वो दिया गया है, 50/1000 लीटर में कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई बाय 1/10। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है, लेकिन ये 2.6 आपके पास प्योर नहीं थे, इम्प्योर है, तो यहां आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी। 2.6 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 100 और आपसे एक्स ही पूछा जा रहा है, तो जब आप एक्स करेंगे तो कितना आ रहा है, ये लगभग 67%। क्या आप इसको एक लाइन में कर सकते हैं? हाँ। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है करने से पहले। लिखें इसको, देखिए हम एक और टाइट्रेशन देख रहे हैं और ये टाइट्रेशन है K2Cr2O7 की वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे कि आप देख रहे हो K2Cr2O7 इज स्लाइटली वीकर ऑक्सीडेंट देन KMnO4। KMnO4 से स्लाइटली है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी हम मोस्टली केसेस में K2Cr2O7 को भी KMnO4 की तरह ही देख काम करते हुए देखते हैं, बहुत कम डिफरेंस है। वही काम जो KMnO4 करता है K2Cr2O7 भी करता है। इट्स एडवांटेज ओवर KMnO4 इज ड्यू टू द फैक्ट दैट K2Cr2O7 इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, वेयर एज KMnO4 इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या अंतर है ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें। केमिकल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, यानी अगर हम इस केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं तो हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट है, फेरस अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2 हाइड्रेटेड है, ये हाइड्रेटेड है, K2Cr2O7 ये हाइड्रेटेड नहीं है, H2SO4 यानी मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में ही ये एग्जिस्ट करता है इसलिए मीडियम भी एसिडिक ही रखना पड़ेगा हमें। तो कुछ खास बातें, फेरस फेरिक में चेंज हो जाता है, तो बताइए इसका इन्फेक्टर कितना होगा, आप अच्छे से जानते हैं 1, और K2Cr2O7 +6 से किस में चेंज हो रहा है, +3 में, तो बताइए इसका एन फैक्टर कितना होगा, K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6 से 3 में, 6 - 3 3, लेकिन दो क्रोमियम है तो 3 × 2 = 6, दोनों का एन फैक्टर आपको मालूम पड़ गया। ओके अब वापस हम बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, तो लिख लीजिए यहां छोटा सा पॉइंट की पॉइंट में, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड और एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड। देखिए प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड वेरी प्योर, ये बहुत ज्यादा प्योर होता है, ये उतना ज्यादा प्योर नहीं हो रहा, स्लाइटली यानी उसके कंपेयर में लेस प्योर। दूसरा ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, यानी हाइड्रेटेड नहीं होता, ठीक है, तो वाटर को एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों ही करता, अगर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता और नहीं रिलीज करेगा तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ना तो ये डेलिक्यूशेंट है ना ये हाइग्रोस्कोपिक है, नॉट ए डेलिक्यूशेंट नॉट ए हाइग्रोस्कोपिक। डेलिक्यूशेंट हाइग्रोस्कोपिक आप जानते हो, वाटर एब्जॉर्ब करना रिलीज करना, तो फर्स्ट सेकेंड नॉट वाटर नॉट वाटर एब्जॉर्ब एंड रिलीज, आप अभी नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लें, नॉट वाटर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज। थर्ड पॉइंट, ये कुछ इनर्ट भी होता है, यानी कि जो एटमोसफियर गैसेस हैं उनको उनके साथ कोई खास रिएक्शन नहीं करता, तो इनर्ट है, इनर्ट विद गैसेस रिएक्शंस। जबकि यहां पर ये जब हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ये हर चीज लेस लेस आ जाएगा, बस लेस लेस,
ठीक है ना। यहां तो खैर ये भी वाटर को एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं कर रहा KMnO4, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इनर्ट, इसीलिए मैं KMnO4 को सेकेंडरी स्टैंडर्ड लेता हूँ और इसको क्या लेता हूँ, प्राइमरी स्टैंडर्ड। यानी इसकी जो कंसंट्रेशन एक बार निकाल ली गई है या है, वो फिक्स रहेगी काफी समय तक, कोई चेंजेस नहीं होगा, जबकि ये चेंज हो सकती है कंसंट्रेशंस। एग्जैक्ट आप जो मानते हो वो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इसको टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है? क्योंकि ये भी एक बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर इसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन निकालनी हो, क्योंकि ये सेकेंडरी है, तो इसी की मदद से आप पहले, या किसी भी, इसकी नहीं, किसी और प्राइमरी स्टैंडर्ड से आप निकाल सकते हो इसकी। इसकी क्यों नहीं? क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा एग्जैक्ट कंसंट्रेशन निकालने के लिए। बस एक बार निकाल ली तो आपका काम चल गया, फिर आप इसको दूसरे सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो। बाकी टाइट्रेशन सिमिलर रहेगी, आप आराम से लिख सकते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2, या M1V1, और इसका N फैक्टर कितना है, 1, N2 M2 V2, और यहाँ N फैक्टर कितना है, 6। यहाँ अगर मास दिया हुआ है W1, मॉलिकुलर वेट, N फैक्टर कितना है, 1। यहाँ मास दिया है W2, मॉलिकुलर वेट 2, और N फैक्टर कितना आएगा, 6। यहाँ इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, वेट मोलर वेट डिवाइडेड बाय 1। यहाँ इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, मोलर वेट डिवाइडेड बाय 6। आ रही है बात समझ में? तो ये छोटा सा है पॉइंट है, करिए इसको आप, लिखिए जल्दी से। देखिए ये एक और एग्जांपल है K2Cr2O7 का, क्या कह रहा है इसको पढ़िए। 0.2828 ग्राम ऑफ आयरन वायर वॉज डिजोल्व इन एक्सेस डाइल्यूट H2SO4 एंड द सोल्यूशन वॉज मेड अप टू 100 ml। 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड 30 ml ऑफ N/30 K2Cr2O7 सोल्यूशन फॉर एग्जैक्ट टाइट्रेशन या ऑक्सीडेशन। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ आयरन इन वायर, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आपके पास Fe है जो कि इम्प्योर है, 0.2828, जिसकी प्योरिटी एक्स परसेंट है, ये आपने प्योर आ गया Fe का। आपने जैसे ही H2SO4 में डाला, H2SO4 FeSO4 बना के H2SO4 H2 गैस लिब्रेट कर देगा, तो ये आपके पास यहाँ इसके कितने मोल हैं सोच के देखिए, डिवाइडेड बाय 56। तो बताइए इसके भी इतने ही मोल होंगे, बोलो यस और नो। सेम मोल यहाँ जाएंगे और ये +2। जैसे ही आप इसको K2Cr2O7 में डालेंगे तो फेरस किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक में। तो जब फेरस फेरिक में चेंज होगा तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 1। ये पूरा काम हो गया, बोलो क्लियर है? K2Cr2O7 के लिए नॉर्मलिटी दे रखी है 1/30 और वॉल्यूम दे रखा है 10/30। लेकिन एक गलती हो रही है, वो है कि आपने ये सॉल्यूशन को 100 ml में डाल के 20 ml निकाल लिया, तो यानी 100 ml में डाला और 20 निकाल लिया, और उसकी टाइट्रेशन की है आपने इसके साथ, और 30/1000 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि लीटर में कर रहा है आपने। तो जब आप ये पूरी कैलकुलेशंस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 99%। यानी इस एफी वायरन आयरन एफी यानी आयरन वायर में आपकी परसेंटेज है 99% प्योर है आयरन। तो लिखिए,